हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे दादा फ्रूकी की एक और कॉमेडी वीडियो और मजे की फनी वीडियो होगी और जोक्स भी इसके बड़े कमाल के लदी वाले होते हैं। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। कोई है करके एक सीरियल आता था, पता है? देख देखा है? कर कर करना रुक जा, तू कुकर लेके आई है घर से? रुक जा, पहले मैं करता हूं, ठीक है? सिंक करेंगे मस्त, पहले देख लो कितना लंबा है। ब्रो फर्क नहीं पड़ता कौन सी सिटी में शो करो, छोटा करो, महंगी टिकट, सस्ती टिकट, फर्क नहीं पड़ता, हर शो पे एक लंड आदमी रहेगा। हर शो पे रहेगा कि जब मैं ये बोलूंगा ना कि वो कितना लंबा है, भैया कितना लंबा है। ठीक है, वो देख लो ताकि अपन सिंक कर सके। ठीक है, चलो अभी मैं कर रहा हूं, सिर्फ सुनो। कोई है? ठीक है, अब सब साथ में करेंगे। ठीक है, मैं 1 2 3 करूंगा, उसके बाद वो कितना लंबा है, 2.3 सेकेंड। सॉरी, मैंने बोला हर शो पे एक रहता है। कभी कभी 2 3 होते हैं। ठीक है, ओके, रेडी है सब लोग? सब लोग रेडी? ठीक है, 1 2 3। कोई है? ये जूतियां पकड़ने का तुम लोग पैसा दिए? देश को यह करके सीरियल आता था ना, उसमें एक एपिसोड था कुएं वाली आत्मा, जो भी कुएं के पास जाता था उसको ये मार डालती थी। क्यों? क्योंकि ये कुएं में गिर के मर गई थी। भैंसो ध्यान रखना। और मैं बोले, ये गांव वालों को स्विमिंग आती है, कुएं में गिर कर कैसा मरी? बोले वो कुएं में पानी नहीं था। तो गई क्यों थी? तुम समझ रहे हो, वो कुआ है ना, तेरे कोई रंगोली नहीं है, तेरे घर के बाहर कोई बना के चला गया और तेरा पैर गिर गया। ओहो, तू गांव वाली है, तेरे को पता है अगर तेरे को पानी नहीं चाहिए तो तू वहां गई क्यों? कुएं में गिर के सिर्फ टिकटॉकर मर सकते। नहीं, सच में कोई साधारण इंसान नहीं मर सकता, ये टिकटॉकर लोग ही है। ये अपनी धुन में ही नहीं रहता, हवा में उड़ता जाए। गई गई, हवा में उड़ गई, कुएं में गई, कुएं में गई। और इसको गुस्सा किस चीज का? लोगों को मार डालती है, क्या गुस्सा है? कह रहे मैं छप 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 करके नहीं मर पाई, मैं दब करके मरी। आप लोगों ने देखा नहीं ये सीरियल वगैरह इस तरह के आते थे? टीवी मूवीज वगैरह देखा, वेब सीरीज देखी है, राइट, थिएटर्स में पिक्चर देखी है। मैंने रियल में देखा, मैं छोटा था, जूनागढ़, मेरे गांव में एक मौलाना रहते थे, मौलाना जिन निकालते थे। तो एक दिन गया मैं देखने, मेरे घर पे मेरा दोस्त आया था भूरा, भूरा भूरा फेमस, क्या बात है। तो मैं भूरे को लेके गया, भूरा बोला नहीं भाई मेरे को डर लगा। मैं बोला डरता है मरद, चल डर मत, मैं हूं। हम लोग गए और जैसे हम लोग गए ना, तो वहां पे एक लेडी बुरखे में बैठी हुई थी ऐसे। तो मुझे लगा कान में हेडफोन है। वो मौलाना लड़की की माँ को बुला बोले, इधर आ जा, क्या हुआ इसको?
लड़की की माँ बोलती है, मौलाना मेरी बेटी एयर होस्टेस एक हफ्ते पहले इंग्लैंड से वापस आई है, और जब से वापस आई है इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और लड़की के अंदर था इंग्लिश जिन। मौलाना को इंग्लिश नहीं आती। मौलाना बुलाए ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर की गांठ फट गई। बोले मौलाना ये क्या करवा रहे। अब जिन बुला लिया, जिन तो आ गया जलाल में, जिन तो लाइक मदरफकर। मौलाना ट्रांसलेटर को पूछे, बोले क्या बोला। ट्रांसलेटर को तो कुछ नहीं। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले नहीं, बोलो जल्दी क्या बोला। मौलाना मादरचोद बोला तुम्हारे को। मैं और बुरा हंस रहे, बोले मौलाना। मौलाना भड़क गया। मौलाना बोले हटो। मौलाना मोती निकाला ऐसे ड्रॉ में से, कुछ तो किया उसने। लड़की गिर गई। मैं बोला मार डाला। बुरा बोलता भाई कसौटी जिंदगी मिला, रुक जा ना, अपन चश्मदीद गवाह है। मौलाना को जेल भेज के इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे। इतने में लड़की खड़ी हुई। मौलाना शिट यार, ये प्रॉपर्टी हाथ से गई। वो लड़की खड़ी हुई, इस तरफ देख रही, इस तरफ देख रही, इस तरफ देख रही, बुरे को देखे। पूरा डर मत, बुरा डर मत, इधर पागल हो गया। लड़की गई उसकी माँ के पास और जाके खड़ी हुई और उसकी माँ को बोलती है, अम्मी मैं कहाँ हूँ, अम्मी यहाँ पे क्या हुआ। एंड वी आर लाइक फक मौलाना डिड इट, कर दिया भाई, कर दिया अपने मोहल्ले का मौलाना भाई। मैं और बुरा क्रेजी हो गए, हम लोग फुगड़ी खेल रहे। लड़की की माँ भी बहुत इमोशनल हो गई, वो भी बहुत इमोशनल हो गई, रोने लगी। मौलाना के पास गई, मैं मौलाना को बोलती है, मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, आपने मेरी बेटी का जिन निकाल दिया। मौलाना बोलता है, That's my job, baby. Yeah, that's how we do. ये तो मैंने जो देखा वो बता रहा हूं ना, मेरे साथ जो हुआ वो बताओ। 2007 की बात है, मैं 2007 में जूनागढ़ में रहता था और 2007 में ही मैं जूनागढ़ से इंडिया आया। सी ये जोक भी मैं ऑडियंस का आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूं। मैम जीरो। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2007 में जब मुंबई आया, मैं अपनी आंटी के साथ रहता था और मैं बहुत बीमार हुआ। जब बीमार होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग के वो गली में डॉक्टर रहता ना, नहीं नहीं जो नॉर्मल डॉक्टर रहता है जो दवाइयाँ देता है, लेकिन मतलब मैं कितनी बार डॉक्टर को ही पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कब आएंगे। तो वो वाला डॉक्टर, वो देता था 6 कलर की गोलियाँ, 30 रुपए की पूड़ी बना गया। 2-3 दिन दवाई लिए, ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रहा। अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, डर गए सब लोग, क्या रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। डॉक्टर भी बोल रहा है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है और मैं कुछ भी खा रहा हूँ पी रहा हूँ, पेट में कुछ नहीं जा रहा। बोले 10 दिन और ऐसा रहा तो ये मर जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी खाता था पीता था ना मेरे पेट में नहीं रहता था, दवाई भी नहीं जाती थी, मैं कुछ खाता था उल्टी हो जाती थी, मैं पानी पीता था उल्टी हो जाती थी।
मेरी बिल्डिंग में एक औरत रहती है, वो मेरी आंटी के पास आई और आके बोलती है, सुनो सुनो यहाँ पे ना एक बाबा है, पैसा नहीं लेते। तो जब कोई पैसा नहीं लेता आपका एतबार बढ़ नहीं जाता? क्यों रे, पैसा नहीं लेता अच्छाई करता होगा। मेरे को लेके गए बाबा के पास, बिठाए बाबा ने, ये जो दो अंगूठे है ये मेरे आई बॉल पे रखे और उसको दबाया। आंटी मेरे को दुख रहा है। आंटी बोले, बाबा पैसा नहीं लेते। अब समझ रहे हो, कोई मेहनत कर रहा है, दुकान लगा के बैठा है और पैसे ही नहीं ले रहा है, तो आप तो भरोसा है भाई ये सही करता है? क्योंकि बाबा लोग की पब्लिसिटी होती है, इसकी नहीं है। यूजुअली क्या होता है पता है, स्टिकर लगे हुए रहते पता है, ट्रेन में, रिक्शा में, शौचालय में लगे हुए रहते। आप ऐसे कभी शौचालय में ऐसे जाओ, मैम आप नहीं ब्रो, तो ऐसा मूतने खड़े रहेगा ना तो ऐसा लगता है वो स्टिकर आपसे बात कर रहा है कि ब्रो तू खुश है, तू इसके साथ खुश है। समझ रहे हो, ये पब्लिसिटी है, बट ये तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, पैसा ही नहीं लेते। दबाया दबाया ना, बाबा छोड़ो मेरे को। बाबा बोलते नहीं छोड़ूंगा। बाबा को लग रहा है उसने जिन पकड़ लिया है। देखो नॉर्मली मेरे को कोई ऐसा दबाएगा तो मैं बोलूंगा ना बाबा छोड़ो यार, अगर जोर से दबाएगा तो मैं बोलूंगा बाबा छोड़ो। तो आंटी को पूछ रहे, बोले ये आवाज मुनव्वर की है? नहीं, चिल्ला के बात नहीं करता मुनव्वर कभी। हाँ तो उंगली भी तो नहीं घुसेड़ते घर पे। दबाया जा रहा दबाया जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद मैंने किया कैरेक्टर प्ले, बाबा दबा रहा बोले चला जा इसके अंदर से, मैं बोला चला जाऊंगा। बाबा की भी फट गए, बोले ओ और सवाल पूछने लगा कहां से आया इसके अंदर, मैं बोला ये खड़े खड़े पेशाब करता है। पांच मिनट के सोल सेटिस्फेक्शन के बाद बाबा ने छोड़ दिया, मैं गिर गया। आंटी बोली मार डाला। वो बोले नहीं बेहोश हुआ है। मतलब बेहोश, अपने को पता है 5 मिनट बेहोश रहने गए। 5 मिनट बेहोश के बाद मैं उठा, मैं कहां हूं? आंटी क्या हुआ यहां पे? क्योंकि देखो मुझे पता है ना कि चूतिया बना रहा है, बट अब मैं भी तो नहीं बोल सकता कि चूतिया बना रहा है क्योंकि मैं भी चूतिया बना रहा हूं, पाखंडी तो मैं भी हूं। चलो चलो ठीक हो गया हूं मैं, हम लोग ऐसे घर पे आ गए। 2 दिन के बाद मैं ठीक हो गया, मैं ऐसे नेचुरली ठीक हुआ, बट क्रेडिट मिल रहा है। मेरी आंटी सबको बिल्डिंग में जाके बता रही है, वो एक कैंसर पेशेंट है उसको जाके बोली, बोले यहाँ पे एक बाबा है। अब वो कैंसर पेशेंट था कि एक बाबा है, पैसा नहीं लेते। अच्छा ऐसे चल रहा है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी वाला काम। और हम इंडियंस इन सब चीजों में कितना मानते हैं, ब्लैक मैजिक में, काला जादू में। आई एम नॉट सेइंग है नहीं, है, बट इतना नहीं है जितना हम इसके पीछे पागल हो जाते हैं और हम लोग क्या क्या कर देते हैं इसके चक्कर में। आज भी मेरी आंटी को नहीं पता ये, आज भी मैं अगर उनको बोलूंगा ना तो नहीं मान रही वो, मेरे को बोलेगी अच्छा जिन वापस आ रहा है। क्योंकि हम यकीन ही ऐसा करते। उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका को कितने साल लगे थे? 10 years। एक टेररिस्ट को पकड़ने में, उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका सुपर पावर को 10 साल लग गए।
जस्ट इमेजिन अगर ओसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिराता तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते उसमें मारते पिन वहां पे ओसामा टीले पे से बयान कर रहा होगा सब यहां सुब्रो तो मार रहा है घट घट के ऐसा काला जादू करते ना ओसामा खुद फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आता आके बोलता हमी मंजूली का अल्हम्दुलिल्लाह बकरो काटो रक्त दान करबो ये मैं ऐसे ही बोल दिया से बजाता जब भी लौंडे सब बेकाबू साथी काला डाकू मैं निशाना साधु सारी पीटी करूं बाजू फिर दादू नचवा दूं कला जादू करे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और मजे की वीडियो थी यार और काला जादू वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं होती और डोंट बिलीव दैट एंड अल्लाह हाफिज़